अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलजब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल आरसीडी ईएलसीबी टेस्टर मीटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी ईएलसीबी का मुखफ्फ जो है वो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से टेस्ट करेंगे, आया ये ब्रेकर सही है या सही नहीं है, इसका जो तरीक़ाकार है दोस्तों वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। ये देखिए दोस्तों सेंडर कंपनी का एक सर्किट ब्रेकर है, आप इसे अच्छी तरीके से देख लें। ये ब्रेकर अभी ऑन है, इसको मैं टेस्ट करके देखूँगा कि आया ये ट्रिप होता है या नहीं होता है, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका जो तरीक़ाकार है दोस्तों, ब्लैक लीड को अपने एन यानी न्यूट्रल पर लगाना है और रेड लीड को किसी भी एक सप्लाई पॉइंट पे लगा देना है। ठीक है, देख लेते दोस्तों, मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सप्लाई शो करना चाहिए जो भी वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं, यानी 220 की है तो 220 देखे शो कर रहा है 238 वोल्ट। ठीक है, अब ये रेड बटन को प्रेस करना है आपने। ये देखें, रेड बटन प्रेस किया तो 49 मिली सेकेंड पर ये ब्रेकर को देखें, इसने ट्रिप कर दिया। इसका मकसद है कि हमारा ये ब्रेकर सही है, लीकेज की सूरत में ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका एक दूसरा तरीक़ाकार है जो मैं इसके रेंज बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, पहले 1 पे किया था, अब मैं इसको 5 पे कर दिया, रेंज बढ़ा दिया इसका। अब दोबारा इसको टेस्ट करके देखता हूँ, क्या है ये टेस्ट की टाइमिंग इसकी कम हुई या नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी है ट्रिपिंग की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देख लें, ब्लैक लीड को न्यूट्रल पर लगाना है आपने एन पे, और रेड लीड को देख लें सप्लाई पर लगाया, और ये देख लें ये शो कर रहा है। अभी रेड बटन को आपने प्रेस करना, ये देख लें दोस्तों 16 मिली सेकेंड में इसने ट्रिप कर दिया ब्रेकर को। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसका तरीक़ाकार था जो आपको मैंने बताया कि इस मीटर को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।